हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष केसेट। और आज हम बात करने वाले हैं सुदीप्त सेन द्वारा डायरेक्ट की जा रही मूवी द केरला स्टोरी के बारे में। नाम तो सुना हुआ सा लग रहा है ना। जी हाँ, हम स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहे। यह एक ऐसी स्टोरी होने वाली जिसमें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और यह बॉलीवुड की क्राइम ड्रामा मूवी होने वाली है जो कि काफी मच अवेटेड है। और यह रियल स्टोरी होने वाली है केरला के ऊपर, जो भी वहां पे इंसिडेंट हुए थे उसी के बारे में होने वाली है। द केरला स्टोरी का ऑफिशियल टीजर 4 नवंबर को शेयर किया गया था मूवी के मेकर्स के द्वारा। और जब से ये टीजर आया है कहीं ना कहीं लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। काफी लोगों ने तो इस चीज का नाम भी नहीं सुना है, क्योंकि जिसने इस चीज को फेस किया वो ही जान सकते हैं कि द केरला स्टोरी क्या है। जी हाँ, अगर आप इसका ऑफिशियल टीजर देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर फातिमा यानी कि अदा शर्मा ने 1 मिनट 20 सेकंड के टीजर में इस लेवल का एक्ट किया है। और इतनी एक्टिंग अनन्या पांडे पूरे टोटल 3 घंटे की मूवी में करती हैं। जी हाँ, आप समझ सकते हैं अदा शर्मा इस लेवल की एक्टर हैं। आपने ऑलमोस्ट उन्हें कमांडो और उसी के साथ साथ कमांडो 3 में भी देखा होगा। जी हाँ, ये वही एक्टर है और ये रियल स्टोरी बेस्ड मूवी होने वाली है। लेकिन टीजर काफी नेक्स्ट लेवल दिखाई पड़ रहा है जब मैंने इसका टीजर देखा। बाकी बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो स्टोरी ऐसे होने वाली है कि आपने द कश्मीर फाइल का नाम तो सुना होगा। उसका स्टार्टिंग और क्लाइमेक्स मतलब कि पूरा रोंगटे खड़े करने के लिए ही काफी था। वो भी क्राइम ड्रामा मूवी थी और उसी के साथ साथ एक अच्छे लेवल पे बताया गया था। और उसमें बताया गया था कि मुसलमानों के द्वारा कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया था और इस लेवल पे रोंगटे खड़े कर दिए थे। और जब द कश्मीर फाइल ऑन स्क्रीन थिएटर में देखी थी ना, तो रोंगटे खड़े हो गए थे जिस लेवल का क्लाइमेक्स था। जी हाँ, मूवी उसी लेवल पे होने वाली। और द केरला स्टोरी में भी आपको क्राइम ड्रामा मूवी होने वाली है। इसका जो स्टोरी रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा कि केरला में मतलब कि जबरदस्ती हिंदू लड़कियों को मुसलमान में कन्वर्ट किया गया था। यहाँ पर 32,000 को जबरदस्ती मतलब कि उनको मुसलमान में कन्वर्ट किया गया था, हिंदू लड़कियों को, और उन्हें सीरिया और यमन ले जाकर उन्हें टेररिस्ट की ट्रेनिंग दी गई थी। मतलब कि इसी के अराउंड मूवी होने वाली है जो कि आपको द केरला स्टोरी में दिखाई पड़ेगी। और बात कर लेते हैं मूवी की एक्सपेक्ट रिलीजिंग डेट के बारे में, यानी कि एक्सपेक्ट रिलीजिंग डेट है जो भी मूवी के मेकर्स के द्वारा अपडेट की गई है। जी हाँ, तो वो होने वाली है 30 नवंबर, ये एक्सपेक्ट रिलीजिंग डेट है। लेकिन इसकी ऑफिशियल रिलीजिंग डेट मतलब कि 2023 बताई जा रही है। अभी कोई कंफर्म नहीं हुआ है मूवी के मेकर्स के द्वारा, अभी इसका टीजर ही आया है। लेकिन रियल स्टोरी आपको ट्रेलर में पता पड़ेगी, यानी कि अप्रोक्सीमेटली पता चल जाएगा कि उसमें किस लेवल का क्राइम और ड्रामा देखने को मिलेगा। मतलब कि जहां तक देखा जाए तो इसमें एक जबरदस्ती उसी के साथ साथ सेक्सुअल पॉइंट दिखाए जाने वाले हैं हिंदू लड़की को मुसलमान में कन्वर्ट करने के बाद। यही चीज आपको दिखाई देगी द केरला स्टोरी में। बाकी अदा शर्मा की एक्टिंग एकदम हाई लेवल की थी जिस लेवल पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया है 1 मिनट 20 सेकंड के टीजर में। और जैसे 2022 की द कश्मीर फाइल बेस्ट मूवियों में से एक मानी जाती है बॉलीवुड की, उसी तरह द केरला स्टोरी 2023 की बेस्ट स्टोरियों में से एक होने वाली है। अगर आप द केरला स्टोरी का ऑफिशियल टीजर देखेंगे तो उसपे व्यूज अगर आप देखेंगे ना, तो सोच में पड़ जाएंगे कि यार इतने कम व्यूज हैं ऑफिशियल टीजर पे। बाकी मूवी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है और आपने ऑफिशियल टीजर इसका देखा है नहीं, अगर देखा है तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो या न्यू अपडेट आती है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है तो आकर मैसेज कर सकते हैं या फिर क्वेरी कर सकते हैं कोई भी मूवी के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।